Dear students, good morning, all of you. Today, I am going to teach lesson number 2, the last explanation, part 4, from page number 19, first paragraph. Previously, I was taught you last para, explanation. Was telling the Gopal, frowning his lips, the old man wanted to cry out, but stop the work, he said. वह बुरा व्यक्ति बुरा शिल्पकार गोपाल जो उसके कार्य में सहयोगी था उसे चिल्लाकर मना किया कि अपने कार्य को करना बंद करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अस्वस्थ हूं। बड़ी दुखद मूव, लेकिन वह उस ओर बढ़ नहीं सकता था जिस ओर गोपाल काम कर रहा था। शॉक एंड इमोबिलाइज हिज, यानी वह बहुत कमजोर हो गया था, इसलिए मैं घूम फिर नहीं सकता था। ये स्टूड स्टेयरिंग एट द बैक ऑफ द यंग स्टोन कार्वर वर्किंग ऑन द फीस ऑफ द स्टैचू ऑन द आई बोज आर्किंग ओवर पेयर ऑफ फाइव आईज। ये स्टूड स्टेयरिंग, वह बिल्कुल टकटकी लगाकर उसे देख रहा था, यानी गोपाल को देख रहा था जो अपने काम करने में निमग्न था, प्रतिमा को बनाने में लगा हुआ था। उसकी आंखों को और उसके दोनों सुंदर आंखों के ऊपरी भाग, यानी भौं जिसको कहते हैं आईब्रोज को, उसको सजाने में वह गोपाल लगा हुआ था जो अपने मालिक की आवाज पर ध्यान नहीं दे रहा था। इट वाजंट हिज सन सिटिंग क्रॉस लेग बिफोर हिज बिगेस्ट स्टैचू एंड एवर कार्ड, यानी वह नहीं चाहता था कि मैं इस काज को रोक करके और मैं अपने मालिक की ओर ध्यान दूं, यानी वह अपने काम को करने में बिल्कुल निमग्न था, मशगूल था। वह पत्थरों पर मूर्ति की नक्काशी कर रहा था। इट वॉज सलीम ही सर्वेंट, यानी उसका नौकर सलीम भी उसी काज में लगा हुआ था जो पत्थरों की नक्काशी कर रहा था। द ओल्ड मैन वाज स्टन्ड, बूढ़ा आदमी अब बिल्कुल मूर्छित हो गया था, अचेत हो गया था। द फर्स्ट वेव ऑफ सॉ फियर एंड एंगर पास, उसके आंखों के सामने से दुख का गहरा सागर मरा रहा था। उसके मन मस्तिष्क में भय थे और वह उसके सामने से क्रोध गुजर रहा था, मतलब वह इस बात का भय से भयभीत था कि अब शिल्पकारी का कार्य मेरे घर में कोई करने वाला नहीं है, अब यह कार्य बिल्कुल सदा के लिए बंद हो जाएगा, इसका भय शिल्पकार को था। हाय राम द ओल्ड मैन विस्पर, हाय राम, यानी द बूढ़ा व्यक्ति जो था शिल्पकार था वह मन ही मन बुदबुला रहा था हाय राम एंड काउंटर ओवर द बॉय, और उस लड़के को जो देख रहा था, जो लड़का शरीर था उसका नौकर, उसे वह देख रहा था। ड्रॉपिंग इन हैंड ऑन हिज शोल्डर ही सेड सॉफ्टली, सलीम, वह सलीम के कंधे को अपने हाथ से पकड़कर बोला, नम्रता से बोला, सलीम यानी हे सलीम सुनो। द स्टार्टलेड बॉय टर्न एंड लुक्ड अप हिज मास्टर, वह सलीम अपने मालिक को टच करने से घबरा गया और अपने मालिक की ओर देखा। ही रोज टू हिज फीट क्लम्सली, वह अनाड़ी के जैसा या कुहल के जैसा वह अपने मालिक की ओर खड़े होकर देखने लगा। द हैमर एंड चेन स्टिल इन हैंड, उसके हाथ में अभी भी हथौड़े और छेनी मौजूद थे। सलीम द ओल्ड मैन सर्च फॉर वर्ड्स, यानी द ओल्ड मैन यानी जो बूढ़ा शिल्पकार था उसके मुंह में थोड़ा शब्द आया और पुकारा, सलीम ओनली वांटेड टू हेल्प, केवल मुझे सहारा चाहिए था। विस्पर द बॉय, सलीम ने बुलबुल
बुलाया, हम बनाया और कहा कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आई शेल सपोर्ट यू फॉर द स्कल्पचर, मैं आपको शिल्पकारी के काम में सपोर्ट करूंगा, मदद करूंगा। द हैमर एंड चीजें स्टील इन हैंड, उस समय अपने हाथों में वह छेनी और हथौड़ी लिए हुए था। आई शेल लर्न, मैं सीखूंगा, इफ यू टीच मी, यदि आप मुझे सिखाएंगे तो मैं शिल्पकारी का कार्य करूंगा। सलीम ने कहा, मास्टर जी पत्तनवारी, आई हैव प्रैक्टिसाइज सेक्रेटरी फॉर ऑलमोस्ट 2 इयर्स इन द क्वेरी, यानी जहां पर पत्थरों पर नक्काशी होने का कार्य किया जाता है उस स्थान को क्वेरी बोलते हैं, तो मैं क्वेरी में जाकर के लगभग 2 वर्षों तक एकाग्रित होकर के और सीखने का अभ्यास करूंगा। आई एम मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूं, आई नो आई शुड नॉट कार्व द इमेज ऑफ गॉड, है ना, मैं जानता हूं कि मैं मुस्लिम होने के कारण हिंदू देवी देवताओं के चित्रों की नकाशी करने में असमर्थ हूं, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे जानकारी नहीं है, हिंदू देवी देवता के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। बट इज नॉट दिस डिफरेंट मास्टर जी, लेकिन क्या यह भिन्न है, ऐ मेरे मालिक, क्या यह कार्य भिन्न है, यानी इस कार्य को मैं नहीं कर सकता हूँ। आई एम कार्विंग ए स्कल्पचर हरण टाइप, क्या मैं पत्थरों पर नक्काशी करने का कार्य नहीं कर सकता। ए ब्यूटीफुल स्कल्पचर दैट हैज डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल, यानी एक सुंदर शिल्पकारी दैट हैज डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल, जो अनेक लोगों का करने का ढंग अलग अलग होता है, इजंट सो, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता। मालिक प्लीज टेल मी, कृपया मुझसे कहिए, फॉर मेनी इयर्स आई वांटेड टू बिकम ए स्कल्पचर, यानी मैं एक शिल्पकार बनना चाहता हूँ, कुछ ही वर्षों में मैं एक शिल्पकार बनना चाहता हूँ। इट आई फाउंड द फीलिंग बट आई प्रूव इट टू स्ट्रॉन्ग, मैं इस कार्य को मन से करने के लिए संघर्ष करूंगा और इस शक्ति को अर्जन करूंगा और साबित कर दूंगा कि मैं शिल्पकारी का कार्य पूर्ण करूंगा। आई नो देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड, मैं जानता हूं कि संसार में ऐसा कुछ नहीं है, आई वुड लाइक टू डू मोर, जो है अच्छा नहीं कर सकता हूं, यानी संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो नहीं किया जा सकता है। देयर इज नथिंग इन लाइफ आई कुड डू बेटर, यानी इस संसार में कोई ऐसा काम नहीं जिसे मैं नहीं कर सकता। विल यू प्लीज टीच मी मास्टर जी, मालिक क्या आप मुझे इस काम को सिखाएंगे। द ओल्ड मैन पुल्ड द बॉय हेड अगेंस्ट हिज शोल्डर्स एंड व्हिस्पर, वह बूढ़ा शिल्पकार उस बालक के सिर को अपनी ओर खींचा और उसके कंधे को पकड़कर भुदभुदाते हुए कहा, व्हिस्पर मींस भुनभुनाना या भुदभुदाना, देयर इज नथिंग आई कैन टीच यू, मैंने अभी तक तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। माई सन, मेरे बेटे, गो अहेड, आगे बढ़ो, यू हैव इट इन योर हैंड्स एंड इन योर हार्ट, यह तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारे मस्तिष्क में है, तुम आगे बढ़ो और इस कार्य में लग जाओ। आई नो यू विल बी वन ऑफ द कंट्रीज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मैं जानता हूं कि तुम पूरी दुनिया पूरे देश में एक उत्तम शिल्पकार बनोगे, यानी तुम एक महान शिल्पकार अपने देश में बनोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इस प्रकार का आशीर्वाद वह पूरा शिल्पकार सलीम नामक नौकर को दिया, यानी सलीम उसका वफादार हिस्सा था, वह वफादार नौकर था और अपने मालिक की हरेक आज्ञा का पालन समय करता था। ठीक है, अब इसमें दिया है राइट एक कैरेक्टर स्केच ऑफ सलीम, सलीम का कैरेक्टर लिखना है, यानी पूरा उसका जो है सो क्या क्या उसके अंदर गुण है, एक अच्छे नौकर के रूप में क्या क्या उसको करना चाहिए, उसको स्केचिंग करना है, मतलब उसके वर्णन करना है, तो मैं इसको लिखाना चाहता हूँ, आप लोग इसे याद करेंगे, लिख लेंगे ठीक से अपने घर में।